प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय हो, शिव गुरु भगवान की जय हो। ए गुरु भाई बहना लोग, हाँ बोली, इस जिंदगी में ऐसा कोई नहीं खे जकरा दुख ना हुई, सब केहू के बात परिपूर्ण कोई नहीं खे, नहीं खे कोई के धन दौलत बा तो देह से दुखी बा, जे देह से दुखी बा सुखी बा ओकरा धन दौलत नहीं खे जकरा दोनों बा घर परिवार से कहीं ना कहीं से दुखी, सब दुखी रहता। ऐसे ही हमारा लेखा एगो शिष्या दुख के मारल बड़ी, इतना विपत परल बा, इतना दुख बा उनका जिंदगी में को कोई भी जाता रही तो उनका के सब कोई पागले कहो। जय हो जय हो। दुख जब आवे लानू तो हर कोई पागले कहला, अरे पागल होई रहे द, लेकिन ओकर दुख का कोई ना समझेला कि कौना दुख में वो औरत बिया। जय हो जय हो। उ शिष्या जाती है गुरुजी भी कहती है कि बाबा बाबा रउआ अलावा हमार कोई सहारा नहीं खे, हर सब कोई ताना मारता, जियल मुश्किल कर देले बा, जहाँ तक कि हमारे नैहर सासुर भी नहीं खे पहचानत। कौन भाव लागता ये बहिन, कौन भाव लागता हो, कवने कसुरवा शिव गुरु हमारा से भाई हो। जय हो जय हो। ए शिव गुरु हमारा से भाई हो, ए शिव गुरु कहने कलम से लिखलो भागत दुखावा हमरो नहीं खे रात हो, ए शिव गुरु Oh,
रउए सहारा बा अपन चरण में रउए हमरा के रख ले हो हमरा कोनो दुख ना बुझाई जय हो जय श्री गुरु कृपा करी इनका पर प्रेम से बोलो शुक्र भगवान की नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय हो सब श्रोता समाज की जय हो आई हमरे जैसन शिष्या हाँ महादेव के मनावत नहीं जा गोहरावत नहीं जा कैसे चर्चा करत नहीं जा कैसे जब दर्शन नहीं खे मिलत तो शिष्या व्याकुल हो जाता रही जय हो जय हो फिर भाव लगता है वो कहता रही कैसे कहता रही कैसे कैसे अरे गंगा भैली सपना आ जमुना भैली सपना गंगा भैली अपना जमुना भैली सपना महादेव भैले
दर्शन दी है। जय हो जय हो। प्रेम से बोली साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय हो। कहे के बा बहिना लोग कैसे कि जब नैहर में माई ना होलनु तो बेटी के कोनो पूछे ना होला। सब घर परिवार भरल होके भाई भतीजा भरल होके एगो माई के बिना नैहर छूट जाला। जय हो जय हो। ऐसा ही एगो शिष्या बाड़ी माई नैखी रहती दुनिया में नैहर जाता रही ना उनका भाव मिलता ना प्रेम मिलता तो वही घर ही अखड़ता कि आज हमार माई रहित तो हमारा प्यार दुलार मिलल रहित नु। जय हो। कहता रही कैसे कहता रही नैहर में बाड़े शिव गुरु भाई भतीजावा मो। जय हो भोलेनाथ। नैहर में बाड़े शिव गुरु भाई भतीजावा मो। अरे तबो नहीं भावे शिव गुरु भाई।
बाबा। मतलब का खाली ढोलक के तबला बजले से काम चली नानू चली। तनिया के शिव चर्चा में सिर झुका ली लोग। हे आलम भैया बड़न कीबोर्डे पर ध्यान बारे तनी चर्चो में ध्यान रख ली। 1 लाख भैया चर्चा में बैंजू बजाव तनी तनी गुरु जी के भी ध्यान कर ली। कैसे कहे के बा कैसे भाव में आई। अरे दिन बीतवला काम धंधा में जय हो जय हो। रात बीतवला निंदिया में। अरे गुरु भाई बहना लोग कैसे हो। अरे दिन बीतवला काम धंधा में रात बीतवला निंदिया में। अरे दिन बीतवला काम धंधा में रात बीतवला निंदिया में। अरे एक मिनट ना सिर झुकवला जाके शिव चर्चा में। अरे एक मिनट ना सिर झुकवला जाके I'm not the last one।
प्रेम से बोलो साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। साचे दरबार की जय हो। एक गुरु भाई बहना हाँ। कहल जाला का कि दिल से मन से अगर वह गुरु जी में नेह लगा ले बनू तो रुआ सारा ग्रह कट जाए, सारा पाप मिट जाए। ओसा ही एगो मछली बाड़ी, एगो तालाब में मछली रह तारी दोनों पति पत्नी साथ है, और तालाब के किनारे रोज शिव चर्चा होत रहे। तो मछली सोचस कि एने उने से घूमला से अच्छा बा कि बहिना लोग का करेला हम तनी सुनी। तो मछली जब जब शिव चर्चा होखेनु तब तब वो आके सुनस, आ ओतने उनकर पति खिसियास कि तू का डेली सुनेलू। अरे शिव चर्चा शिव गुरु में कुछ रखल नहीं खे, आ तो नाये स्वामी जी बहिना लोग बड़ा सुंदर सुंदर कथा कहेला, शिव गुरु के ध्यान धरेला, अब हमू डेली जाके कथा सुन। जय हो जय हो। हमू डेली शिव चर्चा सुन सुन। तो कहत रहन उनकर पति देव, अरे तू बेकार के बात करेलू, ई सब कुछ ना रह गई। कहत रही कि तू खिसिया चाहे कुछ कर, हम तो कथा सुनबे करब, और जब जब कथा होखे नदी के किनारे जब जब कथा होखे तब वो मछली आके कथा सुनस। एक दिन कर पति कहलन कि मछली तू डेली शिव गुरु के कथा सुनेलू, लेकिन का तहरा के जाल में फंसे से कोई बचा लीही, तहरा के कटाए से कोई बचा लीही। अरे ना बचाई, एक ना एक दिन तक तहरा जाल में फंसो ही के बा, अरे एक ना एक दिन तक कटाही के बा। तो कहली मछली कि अरे जाए ना दी, अरे कटाही के नुबा, कम से कम गुरु के चर्चा सुनिए के मरब। हाँ बिल्कुल सही। एक दिन का भइल कि मछुआरा जाल फेंकलस, मछरी फंस गईली। मछरी फंस गईली तो मछरी उनकर पति कहलन कि खूब तेज से हंसलन कि इहे हमन तहर शिव गुरु, इहे हमन तहर शिव गुरु। अरे तू तो अब जाल में फंस गईलू, अब तो तहरा कटाही के बा। तबो कहत रही कि अरे जाए ना दी, मरबे नु करब शिव गुरु के नाम लेके मरब। हाँ बिल्कुल सही बा। मछली और उनकर पति दोनों जाल में फंस गलन लोग। ओकरा बाद टोकरी में लेके मलाह जाता, बाजार में बेचे, बाजारों में बेचा जाता लोग। मछरी के पति कहत रहन कि देखलू अब तो बेचाइयो गईलू, अब तो हर शिव गुरु कहाँ बड़ा। बाजार में जब जाके मलाह बेच देता तो जवन देखले ओखब लोग कि मछरी जहाँ बेचाला वहाँ पानियो रखल रहेला, टोकरी में मछरियो रखल रहेला। तो मछरी के पति कहलन कि अब तो हमने के बेचाइयो गईनी जा, अब तो कटाही के नौ बताई बा, देखो सब खरीदार लोग आ गए। मछरी कहत रही अरे जाए ना दी, कटाही के लू रोज गुरु के नाम लिही, हमू शिव गुरु के नाम लेता नहीं, कम से कम मरत तो हो सकता कि अगला जन्म में जोनी चेंज हो जाए हमनी के। हाँ बिल्कुल सही कहली। तब खरीदारो आवत रहन, खरीदाइयो जतारी लोग। आ जब खरीदा के सोचा तारी लोग कि अब तो प्लास्टिक में पैक होके जाए के बा, जय हो जय हो। ओसा ही पूरा तेज आंधी पानी बहुत तेज चले आवता, जब आंधी उड़त इतना तेज आंधी भइल कि सब के आँख में धूल मट्टी पड़ गई। आ पानी जब पानी पड़े लगल तब मछली और मछली के पति जितना मछली रहस लोग सब अपन तैर तैर के नदी पार कर लेलस लोग। एकरे के कहाला कि उनका पर भरोसा रही तो अरे जरूर पाप अपन कटिए जाई, ग्रह जरूर कटी। एकरे साथे कहे के बा कि इनकरे ध्यान दीही लोग, जवन पाप कैले हो खब लोग, जवन ग्रह होई हमनी पर जरूर कटी। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो। साचे दरबार की जय। श्रोता समाज की जय।